बड़ी खबर ये है, आपसे बातचीत करें, उलझनों को समझें। जो बड़ी खबर है वो ये है कि प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर सियासत और तेज है। कैसे? कांग्रेस से इनकार की आने के बाद बीजेपी भड़की है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को बहिष्कार करने की आदत है, अच्छे अनुष्ठान में विघ्न पैदा करने की आदत है। सोनिया के दौर में राम काल्पनिक हो गए थे और अब राम की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम उन्हें रास नहीं आ रहा। चंद कट्टरपंथी वोटों की तिजारत की गला काट प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस और कांग्रेस गोत्र के सारे दल, कांग्रेस की परंपरा के सारे दल आज हाहाकार मचाने को तैयार है। हर ऐतिहासिक अवसर का विरोध करते करते कांग्रेस ने आज भारत, भारतीयता के श्रेष्ठतम मूल्यों के प्रतीक भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करके ये दर्शा दिया है कि उनके लिए राजनीति और राजनीति में भी कट्टरपंथ की राजनीति, हम किसी समुदाय की बात नहीं कर रहे, कट्टरपंथ की राजनीति अधिक महत्वपूर्ण है। बड़ी खबर मिल रही है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। कांग्रेस ने बीजेपी का इवेंट बताया, मंदिर निर्माण को राजनीतिक इवेंट बनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि अधनिर्मित यानी आधा बना मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, चुनावी लाभ के लिए आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन कर रही है बीजेपी और ये पॉलिटिकल इवेंट है बीजेपी का, ये कहना है कांग्रेस का। कांग्रेस ने धर्म व्यक्तिगत विषय बताया है। इस कमेंट के बाद सीधे लिए चलते हैं हमारे तमाम सहयोगी, हमारे वो रिपोर्टर्स जो ग्राउंड से हर एक अपडेट को कलेक्ट करते हैं, उसके पर्दे के पीछे की कहानी आप तक पहुंचाते हैं। इसीलिए सीधा रुख करेंगे अयोध्या का और वहां पर पहुंचेंगे जहां अभिषेक मौजूद है। वहां पर इस सियासत का कुछ असर है कि नहीं, क्योंकि वहां के लोगों से तो बातचीत आप कर रहे होंगे अभिषेक। देखिए सुनीलता, सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस इस समय एक शाश्वत द्वंद में है और ये द्वंद कांग्रेस का जो है आज से नहीं रहा है, पहले से रहा है। ये जहां मैं इस अयोध्या में खड़ा हूं, इसी अयोध्या से 1989 के चुनाव में राजीव गांधी ने राम राज्य का नारा दिया था, राजीव गांधी ने के समय में शिलान्यास हुआ था, उनके समय में ताले खुले थे, तो कांग्रेस का ये इतिहास रहा है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से डायवर्जन हुआ है और अब जो हो रहा है, अभी भी विरोधाभास देखिए, एक और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे, दूसरी और अजय रहा है जो यहाँ के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि हम 15 तारीख को जैसे ही सूर्य उत्तरायण में होगा हम आकर के यहाँ डुबकी लगाएंगे, हम दर्शन करेंगे। तो ये शाश्वत द्वंद है और इसका असर आम जनता पर पड़ रहा है। दुनिया के सामने तो समझ आता अभिषेक, अंतर द्वंद भी है। लेकिन इसी बीच बीजेपी ने बड़ी बात कह दी है और इसीलिए मैं रुक करूंगी नीरज का और नीरज से ये समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी का कहना ये है कि निमंत्रण से दूरी ये पुरानी फितरत रही है कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले पर अपना, उनका विजन साफ है, उनका साफ कहना है कि जो लोग राम को मानते ही नहीं थे, जो लोग राम को काल्पनिक कहते थे, कोर्ट में जाकर उन्होंने बकायदा एफिडेविट दिया, वो कैसे राम को मान सकते हैं, राम मंदिर को कैसे पचा सकते हैं। आज यही बात सुधांशु त्रिवेदी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही और यही बात लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो पूरा सीनियर लीडर्स हैं लगातार अपने बयानों में कहते रहे। कल आप देखें तो जेपी नड्डा जी ने कल असम में एक कार्यक्रम के दौरान भी यही बात कही कि कांग्रेस ने राम को कभी माना ही नहीं, आज वो लोग न्याय यात्रा और दूसरी बातें कर रहे हैं लेकिन राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। तो क्या राम की सियासत अगर मंदिर उद्घाटन को जोड़ करके उससे किनारा करके प्रूफ किया करना चाहते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।